हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं वीर बहादुर आज आप लोगों के बीच में क्लास 10वीं का कवि सूरदास जी का पद्यांश दूसरा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सूरदास जी का पहला पद्यांश बताया था, तो उस पद्यांश में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य के बारे में बताया था। और एक चीज और मैं आपको बताया था कि सूरदास जी की जितने भी पद्यांश हैं, सभी पद्यांशों के जो संदर्भ हैं एक ही रहेगा, लेकिन हर पद्यांश का प्रसंग और व्याख्या और काव्य सौंदर्य अलग अलग होते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको पद्यांश दूसरा का प्रसंग और व्याख्या और काव्य सौंदर्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इस पद्यांश का जितने भी शब्दार्थ हैं, मैंने शब्दार्थ को इस बोर्ड पर मैंने लिख दिया है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो शब्दार्थ मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं चलता हूं कि इस पद्यांश का जो प्रसंग है उस प्रसंग के बारे में बताने और व्याख्या के बारे में। तो देखिए, प्रसंग जो है पद्यांश के अनुसार लिखा जाता है कि जैसा पद्यांश दिया है उसी के अनुसार आपको प्रसंग में ढालना होता है। तो जो ये आपका पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश में सूरदास जी जो हैं वह सूरदास जी यहाँ पर निर्गुण ब्रह्मा और सगुण ब्रह्मा के बारे में बताए हैं। किसके बारे में? सगुण ब्रह्मा और निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बताए हैं। तो देखिए, प्रसंग किस प्रकार लिखना है आपको। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किए हैं। और उन्होंने बताया है कि निर्गुण ब्रह्मा की आराधना जो है बहुत ही अत्यंत कठिन है, और सगुण ब्रह्मा की उपासना को उन्होंने बहुत सरल बताया है। यही हमारे इस पद्यांश का क्या है? प्रसंग है। अब मैं चलता हूं व्याख्या की तरफ। व्याख्या में मैंने बोला था कि किसी भी पद्यांश का जब व्याख्या लिखना होता है तो व्याख्या ये पता करना है, करने के लिए कि वह जो पद है वह पद कौन से कवि लिखे हुए हैं। तो इस पद्यांश को सूरदास जी लिखे हैं, तो आपका जो स्टेटमेंट शुरुआती रहेगा वो बोलेंगे सूरदास जी कहते हैं, कि निर्गुण ब्रह्मा की आराधना क्या है? बहुत कठिन है। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा की आराधना बहुत कठिन है। अब हम चलते हैं पद्यांश पर। अय विगत गति कछु कहत न आवे। अय विगत का मतलब होता अज्ञात, गति का मतलब होता है दशा या स्थिति, कछु माने कुछ, कहत माने कहना, न आवे मतलब नहीं कर सकते हैं। तो यहां बोलेंगे अय विगत गति कछु कहत ना आवे, बोलेंगे कि उसके स्वरूप विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब पूरी लाइन देखिए कैसे निकाला जा रहा है कि अय विगत गति कछु कहत ना आवे। तो आप ऐसे बोलिएगा, सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा की आराधना बहुत कठिन है और उसके स्वरूप विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, का आनंद के बारे में कोई व्यक्ति बता नहीं सकता है, यानी निर्गुण ब्रह्मा की जो उपासना का आनंद होता है उस आनंद के बारे में कोई व्यक्ति बता नहीं सकता है। जिस प्रकार ज्यों गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावे, यानी जो माने जिस प्रकार, गूंगा माने गूंगा, मीठे माने मीठा, फल मतलब होता है फल, रस का मतलब स्वाद रस, अंतर्गत मतलब होता है अपने हृदय में, ही भावे मतलब अनुभव। ज्यों गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद, केवल अपने हृदय में, अनुभव करता है और उसे वह व्यक्त नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक गूंगा व्यक्ति है, उस गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए तो उस मीठे फल का स्वाद पूछा जाए तो वह बोल कर और व्यक्त कर कर नहीं बता सकता है, क्योंकि गूंगा व्यक्ति केवल मीठे फल के स्वाद का अनुभव करता है और उसे वह व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह गूंगा है। तो गूंगे लोग केवल अनुभव करते हैं, वह बोल नहीं पाते हैं। अगली लाइन है, परम स्वाद सवही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। यहां पर बताया जा रहा कि अद्यप निर्गुण ब्रह्मा की जो प्राप्ति है, अद्यप निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है
और उपासक को संतोष प्राप्त होता है। परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजामे। कहा जा रहा है कि अद्यप निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को संतोष प्राप्त होता है। मन बानी कहो अगम अगोचर सो जानह जो पावह। मन बानी का मतलब मन और वाणी। तो यहां बताया जा रहा है कि मन वाणी कहो अगम अगोचर, यानी मन और वाणी के द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता है। मन और वाणी के द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता है जो इंद्रियों के क्या है, परे है। जो इंद्रियों की क्या है, परे है, इसीलिए इसे अगम और अगोचर कहा जाता है। सो जाने जो पावे, जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। यहां बताया जा रहा है कि निर्गुण ब्रह्मा की ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकृति है, और न ही उसके गुणों का कोई ज्ञान है, न तो उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उन्हें प्राप्त कर सकें, और बिना आधार के हम उन्हें कैसे पा सकते हैं। कित धावे माने, यहाँ इसीलिए बताएगा कि यहाँ पर भक्त जो होते हैं इधर उधर यहाँ वहां भटकते रहते हैं। तो सूरदास जी इसीलिए बताया है कि यहाँ पर कि निर्गुण ब्रह्मा की जो आराधना होती है, निर्गुण ब्रह्मा तक पहुंचना क्या है, असंभव है। तो सब विधि अगम विचार ही तातः सूर सगुन पद गावे। इसीलिए इसी कारण सूरदास जी कहते हैं कि इसी कारण सब प्रकार के विचार करके हमने हमने श्री कृष्ण के हमने श्री कृष्ण के लीला के पद का गाना उचित समझा। तो हो गया हमारे व्याख्या। अब हम चलते हैं काव्य सौंदर्य पर। काव्य सौंदर्य, अब काव्य सौंदर्य जो होता है, तो काव्य सौंदर्य में कई वर्ड लिखे जाते हैं आपके, जैसे इसमें भाषा पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? भाषा, गुण, शैली, रस, अलंकार। तो ये आपकी क्या है, काव्य सौंदर्य है। भाषा तो आपको पता ही होगा कि ये साहित्यिक ब्रज है। गुण जो आपका है प्रसाद है। शैली जो आपका है गेयात्मक है। रस जो आपका है भक्ति रस है। अलंकार जो होते हैं इसमें आपके रूपक भी अलंकार आते हैं और अनुप्रस्थ अलंकार भी आते हैं। तो अनुप्रस्थ अलंकार तो आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया कि जिस वर्ड में आपको पुनरावृत्त अक्षरों का होता है उसे हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया पद्यांश दूसरा का, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।